हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नगांती चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल बीजे विकास आकाश ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर और हमारे चैनल से जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, हमारा वीडियो ब्लॉग देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल घंटी भी प्रेस कर लीजिए। एक दो जगह दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, भगवान आपको हमेशा खुश रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। बहुत वीडियो आज की इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो वीडियो फुल वॉच करके एंड तक देखिए। तो देख सकते हैं अभी शाम हो चुका है और ये बच्चे बैठ के पढ़िए और अपने अपने घरों में जो भी खाना भगवान जी की कृपा से उसको बनाइए और खाइए, बच्चों के साथ खुश रहिए। तो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी लाइट भगवान जी की कृपा से नहीं कटा, नहीं तो अभी तक कटा था, अभी आ गया। हाँ, अभी आ गया। आज देख सकते हैं, अभी मुझे लग रहा है आज कुहासा आएगा ना जी, मौसम बारिश लग रहा है। हाथ का बनाए हुए फूल पे कैसा लग रही है जी? यहाँ को तो तनी कुछ दिमाग लगा है, लगा क्या हो गया? जो ओरी ओरी बनाने के लिए सोच रही है, नहीं तो हमारा मेहनत सारा डर हो जाएगा। हाँ। बारिश आएगा तो मिट्टी पूरा दहवा दे। चलिए मैं उसको मैं देखता हूँ, बहुत जल्द करते हैं। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट लिए हैं पहले ये फाइनल करिए, फिर दूसरे में हाथ लगाएंगे। बारिश का डर से? नहीं नहीं, बारिश तो आएगा तो सही है, मिट्टी है, गिर जाएगा, लेवर लेंगे, लेकिन बारिश आएगा तो हमारा गेहूँ के लिए बहुत। तो दोस्तों अभी हम जलाने वाले हैं आग, थोड़ा हाथ पाँव से देंगे क्योंकि दोनों आदमी शाम के टाइम नहाए नगांती जी, नहीं मैं जो मिट्टी का काम कर रहे थे ना, तो उसको नहाए और इसीलिए ठंडा लगने लगा ना। मोटर तो था, उसको चलाया नहीं। बीजे जब नहाया था तो वो ड्राम में पूरा पानी भर दिया था, मैं सोचा कि चलिए पानी वेस्ट नहीं कर सकते, उसे नहा लिया। अब ठंड लगने लगा क्योंकि बहुत पाला पानी था। तो चलिए अभी इसको जलाते हैं, जल जाएगा। अच्छा, चलिए आज थोड़ा सा अभी कुछ दिन है, थोड़ा बहुत ठंड सुबह सुबह और शाम का। हाँ, इसको देखिए ढाक कर रखी है, जो मिट्टी ले आ दिए थे, अब सुबह नगांती जी इसको लीपेंगी तो कैसा इसका लुक होगा देख के आप लोग भी खुश हो जाएंगे कि हाँ जी, धीरे धीरे मिट्टी का ही सही बनाए, अच्छे से काम किए। और इधर देख सकते हैं हमारे तीनों बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा बहुत हाथ हम लोग सेक के फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। क्या क्या खाने में बनाएंगे वो भी दिखाएंगे थोड़ा सा आपको, जो भी बनाएंगे शाम को ना। बच्चे खेलते रहते थे, कहीं से अनी पनी आ जाता सब बाहर वहर का ना, इसको शाम को जला देते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, तो ये साफ सफाई रहता है तो अच्छा काम करते हैं कि नहीं। आ इधर देख सकते हैं, ये भी सरसों फुलाना शुरू हो गया। देख सकते हैं मैं खाना ना खा ली, बच्चे ने खाना खा लिए हैं, देख सकते अभी सोया टीवी देख रहा है, सुबह खाना ना खा लिया। एमए देखिए, यहाँ पर देखिए ये कितना सारा चूहा ने खड़ के यहाँ पर कैसे लगा दिए। तो इसको मैं अभी इसको साफ कर देती हूँ, भर देती हूँ, क्योंकि सुबह से उठ के मैं लीपूंगी। इसी वजह से देखिए सब डेहड़ी उड़ी हटा दी हूँ यहाँ पर से। इधर देख सकते हैं कैसे पूरा इधर कहाँ से आ गया, और ये अरिया खड़ गया। तो इसको साइड साइड से मैं, ये देखिए चार्जर भी देखिए, हाई कौन चार्जर देखो हो ना, को चार्जर लेके, ये देखिए कैसे चार्जर भी लेके, पूरा काट के फुटनी का सुनो बाबा। हाय देखे चूहा सब घर में के भर बटे, कोई प्लास्टर करा देते तने। इधर उधर माटी देख सकते हैं, इतना सारा ढेरी लगा दिए हैं, ईंट से हम बनाए थे इसको, और ऊंचा कर देती हूँ ये सब मिट्टी सब भर देती हूँ जहाँ जहाँ खर। इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि इधर भी अरियरिया पकड़ा गया। क्या हो गया जी? इधर देखे मैं, ये क्या जी? और ये किसान चार्जर सब काट कुट के इतना मिट्टी वो कैसे ऊपर कर दिए लोग? नहीं सब यही है, ये वाला खोखला कर दिए लोग, पूरा अरिया अरिया देखिए।
पूरा नीचे हम लोग का किस्मत में क्या लिखा है, इधर देखिए फिर कोई बड़ा वाला चूहा है, वहाँ पर भी सब नेक करियो जैसे आ रहे हैं। देख सकते हैं हमारा घर कैसे हो गया है, मैं सभी चूहा जितना अखड़ा था सबको इसको भर दी, भर के उसके बाद ईंटा रख दी, सुबह उठ के लीपूंगी यहाँ से लेके वहाँ तक। देख सकते हैं कैसे कर दिए थे, और सभी यहाँ पर बिखरा हुआ देख सकते हैं, और बच्चे बच्ची भी देख रहे हैं। आकाश और विजय सो गए हैं, विकास अभी देख रहा है, आप मेरे साथ जगा हुआ है, ये पूछ रहा है इसको स्कूल से मिला है ना, सरकारी स्कूल से, तो यही स्कूल में दिखाना है डॉक्टर से, तो वही पर्ची है पूरी, इधर भी ठीक है रख दो। चलिए इसको भी हम इधर रख देते हैं, सुबह इसको लिपने के बाद से सरी आऊँगे फिर ऊपर। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह को प्यारा सा गुड मॉर्निंग, आगे नेक्स्ट डे आप सब कैसे हैं, मैं करती हूँ सबन में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। थोड़ा गाला भी खांसी को ऐसे ऐसे हो रहा है, अभी देख सकते हैं मैं यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगा दी हूँ। ये जो माटी लेके आए हैं इसको मैं भिगो के रख दी हूँ, अभी भिगो ही हूँ। चलिए थोड़ा साइड में गोबर भी लाई हूँ, रखी उसको भी ले लेती हूँ। अभी मैं चलती हूँ सब घर पर लीप लेती हूँ। हाँ, आज ना मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है, मगर उस ज़्यादा नहीं गिरा कूघा, उस तो गिरा हुआ है शीत पूरा खेत में है, मगर कूघा नहीं है, हल्का हल्का है। बादल भी है, लग रहा है धूप नहीं लिख रहा है, बादल भी है, इसी वजह से ऐसे मौसम हुआ है। अभी देख सकते हैं कैसे लीप दी हूँ, चारों लीप के ईटा सरिया दी हूँ, सरियाने के बाद सारे सामान रख दी हूँ यहाँ पर। अब चलती हूँ इधर सब लीप लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर लीप के नीचे चारों ओर उधर भी रख दी हूँ। तभी देख सकते यहाँ कितना अच्छा सजा दी हूँ सब लीप के, थोड़ा ऊँच कर दी हूँ। अभी देख सकते कितना अच्छा लीप दी हूँ, लीपने को थोड़ा सा ऊँच करके अथी की हूँ, एक ईंटा नहीं था इसको नीचे कर दी हूँ, और उसको ऊँच करके रखी हूँ, ये इधर चूहा भी नहीं ज़्यादा अखड़ेगा, ज़्यादा नीचे था इसी वजह से शायद अखाड़ दिया था। तभी लीप दी हूँ घर पूरा फिनिशिंग कर दी, नीचे देखिए पूरा सब लीप आपको चिकन कर दी। बच्चे हमारा उठ गया है, अभी जा रहे हैं फ्रेश होने, देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ा खोल, ठंडा आज ठंडा कम लग रहा ना, देखिए तभी सुबह सुबह हम लगता है ठंडा, हम गए जरा फ्रेश होकर आओ रख से नाश्ता बनाते लीप लेते घर उसके बाद। तो देख सकते हैं अभी घर लीप दी हूँ पूरा घर, किचन भी लीप दी हूँ, आंगन भी लीप दी हूँ, देखिए बरामदा जैसे पूरा चारों लीप दी हूँ। अब चलती हूँ बाहर, थोड़ा सा ये लीपूंगी जितना पानी है उतना लीप दूंगी, और उसके बाद जो घर है ना तो बाद में धूप लीप लेगा तो लीपूंगा, धूप तो निकल ही चुका है क्योंकि बच्चों को नाश्ता बनाना है, इसके लिए चलिए जल्दी। तभी देख सकते घर लीप ली हूँ पूरा घर सब लीप के, और इसके बाद उधर से लीप के आ गई हूँ। जो छोटा घर बना रही ना तो इसमें बहुत ज़्यादा झमेला है अभी लिखने के लिए, तो मैं सोच ली बच्चों को कल स्कूल भेजने के बाद इसमें हाथ लगाऊंगी, क्योंकि तो बच्चे को भी लेट हो जाएगा स्कूल जाने के लिए, इसलिए पहले ये लीप लेती हूँ। अभी देख सकते हैं पूरा घर लिखने के बाद ये इसको यहीं पर रख छोड़ देती हूँ, अब मैं चलती हूँ किचन। अभी देख सकते हैं पूजा पाठ कर ली हूँ मैं, नहा धो के पूरा घर लिख ली हूँ, बच्चे को तैयारी भी करके अब स्कूल भेजने हैं, विजय चल गए स्कूल, खाना उना खा लिए हैं, आकाश नहीं खाया तो चलती हूँ उसको भी खाना खिला देती, क्योंकि चावल बनाई हूँ, इन लोग हाथ पर धोवा गए हैं, आओ कपड़ा देती हूँ, ठंडा कम है ना, तभी खाली चावल बनाई सब्जी सुबह का था, अभी जब कपड़ा थोड़ा तबीयत खराब है, देखिए कैसे कौन रहे हैं उसमें, अभी रो रहे हैं थोड़ा सा। बच्चे तैयारी होकर आ गए हैं, चलो तैयारी आकाश से बरस कर रहे हैं का हो जाएगी कल से फाट गए तो यहाँ पर बगल थे फाट गए, बोला जी मम्मी इधर मन दिखाओ, हमारा ये थी शॉर्ट फाटा हुआ है।
कोई बात नहीं, आराम से देंगे, दूसरा पहन लेना। चलो उस घर में सब धो के रखी, अब इन लोग को भेज देती हूँ, देखती हूँ वीडियो को पकड़ लेके कोई से दवा लेके आती हूँ। अभी देख सकते बच्चे पूरा जुट हो चुके हैं। विकास ब्लाउज ड्रेस पर जा रहा है क्योंकि वो जाएगा ब्लॉक पर। ये तीन चार बच्चे जाएंगे ब्लॉक पर, डॉक्टर ने चेक किया था कोई सा दवा देने के लिए बोला है। ये लोग जाएंगे स्कूल, छोटा वाला बच्चे। चलिए अभी आकाश नहीं खाना खाया था, उसको खाना खिला देती हूँ, खाना खा लेती हूँ। पता नहीं ऐसे ऐसे हो जाता है, कुछ भी शेयर भी नहीं कर सकते। देखिए हम लोग खा लिए हैं, बच्चे खा के स्कूल जा चुके हैं। विजय पापा अभी खाना नहीं खाए हैं, अभी मैं रात का सब्जी था, हम लोग माई बेटा सब आदमी खा लिए हैं। दाल भी है तो दाल गर्म कर देती हूँ, यहाँ पर आलू बैठा दी हूँ उबालने के लिए चटनी में आदमी, और दूध जो है उसको उबाल कर रख देते हैं। शाम को रोटी बनाऊँगी तो हम लोग सभी आदमी खाएँगे। अभी देख सकते हैं हमारा घर बच्चे चल गए हैं, सब बेड को सरिया दी हूँ बढ़िया से। अभी तो चूहा नहीं अखड़ा है, लीपी हूँ चारू, और चूहादानी भी रखी हूँ, उसमें भी नहीं फंस पाते हैं, पता नहीं क्यों। ये बिछाई हूँ ना जी, थोड़ा सा इधर खाना बनाने जल्दी आ गई थी लीप के, इसी वजह से जो लात बिछल जाएगा तो इधर गिर जाएंगे। तो चलिए इसको भी उठा कर उधर धूप में रख देती हूँ। अभी खाने में देखिए यहाँ पर कल का दाल है, और यहाँ का आलू की चटनी में आई हूँ, धनिया पत्ता भी डाली हूँ लेकर, चावल भी बन गए हैं, बच्चे हमारे खा लिए, हम भी खा ली हूँ, जो रात का सब्जी बचा था उसी से। विजय पापा भी नहीं खाना खाए हैं, पहली बार हमारे घर मतलब देवरानी जी आई है, नई देवरानी जी। तो चलिए और सब नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आप लोग के। आज के हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं हम लोग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें हम लोग। तब तक ले रहो लोग, आप अपना ख्याल रखें हम लोग, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें हम लोग। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया तो बोलती हूँ तभी मेरे नाक गला सब जाम हो जाता है। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक ब्लॉग वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद।